रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कुछ दिन पहले गांधी साहब से, जावेद अहमद गांधी साहब से एक सवाल पूछा गया कि आजकल के जो उलमा हैं, जो आलम दीन हैं, वो तो जुल्म के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी आप उन आलमों से पूछें वो क्यों नहीं करते। उन्होंने सवाल किया कि 1984 में ज़ियाउल हक़ ने अहमदियों के खिलाफ एक ज़ालमाना कानून बनाया जिससे बेतहाशा अहमदियों के ऊपर जुल्म किए गए और उनके ऊपर हर किस्म की पाबंदी लगा दी गई। उसके जवाब में गांधी साहब ने क्या कहा, ये सुनिए। हमारे पास ऑडियो मौजूद है, वीडियो भी थी, लेकिन हम ऑडियो ही दिखा सकते हैं क्योंकि काफ़ी राइट्स के इशू होते हैं, इसलिए हम सिर्फ उनकी ऑडियो दिखाते हैं। 1984 में ज़ियाउल हक़ साहब ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसकी वजह से अहमदियों के लिए अपना मज़हब प्रैक्टिस करना नामुमकिन हो गया। हमारे उलमा में से सवाए आपके किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। हमारे उलमा ने जुल्म के खिलाफ बोलना क्यों बंद कर दिया? ये तो उलमा से पूछिए। मैंने तो हमेशा ये कहा है कि ये प्रोसिक्यूशन हुई है, इसका हमें कोई हक नहीं है किसी इंसान के बारे में ये फैसला करना कि वो अपने आप को मुसलमान न कहे। ये प्रोसिक्यूशन है, सरी प्रोसिक्यूशन है, इसका कोई हक नहीं है हमको। हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि कोई भी गिरोह, कोई भी फिरका, कोई मकतबे फिक्र, कोई शख्स अगर कोई बात कहता है और वो हमारे नज़दीक सही नहीं है तो हम अदब के साथ, शाइस्तगी के साथ उस बात की गलती वाज़े करें। तो ये बात तो हमें बतानी है हर एक को, लेकिन कोई आदमी नहीं मानता तो हमको कोई हक नहीं है कि हम उसके इस्लाम और कुफर के फैसले करते रहे। ये हमने हदूद से तजावुज़ किया है और मेरे नज़दीक जितनी जल्दी हो सके इस मामले में सही रवैया अख्तियार कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन बहुत बड़ा जुर्म है, किसी इंसान को आप प्रोसिक्यूट करने का हक़ नहीं रखते। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर एक को हक दिया है कि वो अपने मज़हब, अपने अकीदे का इजहार करे, अपनी बात कहे, जो अपने आप को कहना चाहता है कहे। ये मेरा काम नहीं है, मेरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं कि मैं आपके बारे में फ़ैसला करूँ। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताऊँ ये गलत है, ये सही है और उसकी दलील दे दूँ, इससे आगे कुछ नहीं। नाज़रीन, आपने सुना कि गांधी साहब ने जो कहा और वो हर तरह से सच है कि किसी भी इंसान को ये राइट नहीं है कि किसी के ऊपर आप ऐसी पाबंदी लगाएं कि आज से आपका मज़हब ये है और आपने इस तरीके से चलना है। जो जुल्म ज़ियाउल हक़ ने किया और जो आज कौम जो उसकी मानी हुई है ये एक जुल्म कर रही है और ये गुनाह के ज़ुमरे में आता है। आपको खुदा ताला ने एक इंसान बना के भेजा है, हर आदमी का को आज़ादी है कि वो अपना मज़हब जैसे चाहे वो अख्तियार करे। किसी को ये अख्तियार नहीं है कि किसी के मज़हब के अंदर दखल दे। आपको अगर चीज़ पसंद नहीं आती आप कह सकते हैं कि आपकी ये बात ठीक नहीं है, लेकिन आप जबर नहीं कर सकते कि आप कहेंगे नहीं ये आपने ऐसे करना है जैसे हम सोच रहे हैं। तो ये जो बात थी, गांधी साहब एक वाहिद आदमी है जो हक सच की बात करते हैं। इनकी पहले भी मैंने और भी उनके मैंने सब बात सुने हैं और वो हमेशा सच्ची बात करते हैं और जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं आप दलाइल से बात करें, आपको चीज़ पसंद नहीं आती आप दलाइल से बात करें। ये कोई तरीका नहीं कि आप कानून बना के पाबंद कर दें किसी को कि आपने आज से ये करना है। नाज़रीन, अल्लाह ताला गांधी साहब को ज़िंदगी सेहत दे और इसी के लोग अगर जब पैदा होंगे तो दुनिया में अमन हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो उलमा है ये जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये उलमा सू हैं और ये ज़ालिम लोग हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।